हमारा बच के हिसाब से संगत से भी अपील करेंगे, संगत और गुरु की वो भी संगत का है, जो गुरु कर बता गए वो भी संगत का है। यदि हमारी कोई कमी रहती है, कहीं एजुकेशन सेंटर खोलना है, हेल्थ का खोलना है, यदि कमी रहती है, कहीं प्रोग्राम करना है, डेरा कार सेवा वाले हमारे सम्मानित हैं, वो बिल्डिंग है वो तैयार करके देंगे, लंगर संगत काफ़ी दे देती है। और जो गोलकों का संगत का पैसा वो एजुकेशन पर और इस पर ही खर्च हो। आपके साथ मेंबर कितने हैं आज यहाँ? यहाँ 3 मेंबर है सर। हमने कैथर के मेंबर बुलाए हैं, क्योंकि अलग अलग मेंबर जो अम्बाले के अम्बाले के जाएंगे, जो जींद के हैं जींद में जाएंगे, अलग अलग मैंने ड्यूटी लगाई है। तो बलदेव सिंह जी बलदेव चक्कू साहब आज बीमार थे वो आ नहीं सके, और सुरेंद्र सिंह जी शाह जी जो कुरुक्षेत्र में मेंबर मेरे वहाँ मिलेंगे। गिंडा साहब, अमृतसर से ये बात आ रही है कि दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोबारा अपील करेंगे, अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किस तरह से फिर इसको आके? अच्छा जी, मेरी धामी साहब से इस बात पर चर्चा हुई है, मैंने धामी साहब को रिक्वेस्ट भी की और बेनती भी की भी आप इकट्ठे होकर चलिए, क्यों 1-2 करोड़ रुपया और खर्च करना चाहते हैं? मैं आपको बताऊँ कि वो एक पेशी के लिए 1 करोड़ रुपया लगाते थे, और हमारा 10 लाख में एक पेशी में चलता था। तो अब पटिशन डालने के लिए कम से कम 1-2 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मैंने धामी साहब से रिक्वेस्ट की है, ये रीपिटिशन आपकी नहीं चलने वाली। कारण उसका कि ये डबल जज का फैसला है, सिंगल जज का फैसला नहीं, और रिव्यू पटिशन जाते ही होगी, क्यों पैसा ख़राब करते हो? इसलिए हम चलेंगे। बाकी मैंने वो कहने लगा जी चिंडा साहब सन कानूनी लड़ाई तो लड़ लेंगे, मैं थोड़ा अधिकार बनता, मैं अज भी कहना उन्होंने अधिकार बनता, असी रिक्वेस्ट करते रहेंगे उन्होंने। मैनू मनोरिटी कमीशन वाले का बिच आया, सरदार तरलोचन सिंह का भी आया, श्रोमणी कमेटी के SDP सकत्तर का भी आया। मैं उन्होंने बेनती की धामी साहब को समझाओ, कोई फायदा नहीं हुण गल्लां करन दा। मैनू उन्होंने अभय चौटाला ने वधाई दी, मैं उन्होंने भी अकाली दरबार सुखबीर उन्होंने भी बेनती करांगा, आपां सारयां नूं इकट्ठे होकर चलना, सिख कौम वंडण नहीं देना, तो कोशिश ये करनी भी रुपया आ जाया करे ना खड़ा।